गाइस क्या आप लोगों का भी लैग बिल्कुल मेरे तरीके होता है? बंदों के सामने जाके बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज हो गई हो, बट मैंने इस चीज को फिक्स कर लिया। बट उससे पहले आप लोग को ये जानना होगा कि लैग क्यों होता है। बट लैग होने का रीजन ये दो पॉइंट है जो आप लोग के सबसे बड़े दुश्मन है। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। आप लैग को कैसे फिक्स कर सकते हो? कोई भी लैग हो, बस लैग होता है ना। सबसे बड़ा रीजन होता है जो आपका डिवाइस आपका मैक्सिमम कैपेसिटी में वर्क नहीं कर पाता है, वो होता है टेम्परेचर। मतलब कि आप लोग अगर घर से बाहर गेम खेल रहे होगे, सोच रहे हो कि बढ़िया नेटवर्क आएगा, बट वहाँ पे ये सीन रहता है कि वहाँ पे हॉटनेस ज्यादा हो रही थी, मतलब कि गर्मी रही थी, मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा रहता। समझिए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग घर के अंदर खेलोगे तो आपका घर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अब मैं आप लोग को सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, अगर आप लोग का डिवाइस 30 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो आप लोग का डिवाइस लैग करने लगेगा। इवन आईफोन भी लैग करने लगता है अगर वो 30 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा। वो बाहर का टेम्परेचर आप लोग को पता ही होगा आप लोग के एरिया में कितना रहता है। अगर आप लोग का रूम टेम्परेचर ज्यादा है तो आप लोग फैन ऑन कर सकते हो, एसी ऑन कर सकते हो, आप एक्सटर्नल फैन लगा सकते हो, खरीद सकते हो, अमेजोन पे भी मिल जाएगा आप लोग को। सो गाइस ये तो हो गई एक्सटर्नल हीट। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल हीट के बारे में। इंटरनल हीट होती है आप लोग की बैटरीज होती है, आपके प्रोसेसर होती है, मतलब कि आपके आपके फोन के अंदर से हीट आती है। अब अगर आप लोग चार्जिंग में लगा के गेम खेल लोगे तो उस टाइम पे आप लोग की बैटरी बहुत ज़्यादा हीटअप रहती है, और आप लोग को चार्जिंग में लगा के कभी भी गेम नहीं खेलना चाहिए। आप लोग की भी मम्मी कहती होंगी चार्जिंग में लगा के भाई फोन मत चलाओ, यही सीन। और ये गेम में अगर गेम में कर रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा लैग होगा, आप लोग का लैग इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग को ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज़र हो, आईफोन यूज़र हो, तो लगा खेलते कि उनके पास एसी रहती है, फैन रहता है, वो सब कुछ चिपका देंगे भाई, हीट नहीं होने देंगे अपने फ़ोन को। गाइस अब मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग को अपना ओवरलोड किस तरीके कम करना है। आप लोग को सबसे पहले परफेक्ट ग्राफिक सेटिंग करनी है, आप लोग को स्मूथ पे रखना है, और आप लोग को यहाँ पे मैक्सिमम फ्रेम रेट जितना जाए आप लोग को उतना रखना है। मेरा एक्सट्रीम जा रहा है तो मैं उतना रख रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग को नीचे जनरल सेटिंग में आने के बाद इसको भी डिसेबल और ऑटो एडजस्ट ग्राफिक को भी डिसेबल रखना है। आप लोग को ये सब चीज़ करने के बाद आप लोग को ऑडियो सेटिंग्स में आ जाना है। ऑडियो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे हाई रखना है आप लोग को जितना जाए, पर हाई पे आप लोग का लैग कम होगा। अब देखो एक रीजन की वजह से और लैग होता है, अगर आप लोग के फोन का स्पेस फुल है तो आप लोग का गेम लैग होने वाला है। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग अपने फोन का स्पेस खाली रखोगे तो आप लोग को वहाँ पे लैग कम देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को 50% स्पेस खाली रखना होगा फोन के अंदर, फालतू की ऐप जितनी भी है डिलीट मारो। और अगर हो सके तो आप लोग को रिसोर्स पैक डाउनलोड ही नहीं करने हैं, मतलब कि जो ग्राफिक पैक हो गए जैसे कि गन्स की स्किन हो गई, आप लोग को अपने आउटफिट्स की डाउनलोड कर लेना, ज़्यादा ना करना क्योंकि उसके वजह से भी लैग होता है। आप लोग को यहाँ पे लैग कम देखने के लिए मिलेगा अगर आप लोग कम रिसोर्स डाउनलोड करके रखोगे। अब यहाँ पे आप लोग को अपने फ़ोन को 2-3 बार क्लीन अप करना है, मतलब कि गेम खेलने से पहले आप लोग को अपना फ़ोन क्लियर करके आना है, जिसकी वजह से आप लोग का लैग यहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप लोग GFX टूल को अवॉइड कर पाओ तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि उसकी वजह से आप लोग की ID भी बैन हो सकती है। और आप लोग ट्राई करना कि आप लोग जो मैप खेलते हो वही मैप डाउनलोड करना, मतलब कि जो आप लोग ज़्यादा मैप खेलते हो वो करना, और बाकी सारे मैप मत करना, क्योंकि अगर आप लोग स्पेस कम रखोगे तो आप लोग का लैग भी कम होगा। और रिसोर्स को ऑफ ही कर देना, मत ही डाउनलोड करना। आप लोग गेम खेलने से मतलब रखो, रिसोर्स कम डाउनलोड करोगे तो लैग सच में बहुत कम होगा, ट्राई करके देखना। और अगर आप लोग के पास कोई प्रोफेशनल बूस्टर टाइप का हो, जैसे कि एंड्रॉयड 12 के बाद मेरे पास है, तो आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो, इसकी वजह से आप लोग की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लैग भी कम होगा। और एक बात और यार, ये तुम्हारा छोटे भाई का चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपना ही चैनल समझो।